वेलकम टू एच एम क्लासेस। एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं एन टी ए जॉइन सी एस आई आर यू जी सी नेट एग्जाम 2020 एक्सपेक्टेड जे आर एफ एंड नेट कट ऑफ मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड ऑल कैटेगरी आफ्टर स्कोर कार्ड। एन टी ए के द्वारा स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया गया है और कई स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड जानने के बाद और लास्ट ईयर के 10 एग्ज़ाम के कट ऑफ देखने के बाद हमने कट ऑफ डिसाइड किए आप सभी के लिए। आप फाइनल कट ऑफ जो एनटीए के द्वारा रिलीज़ किया जाने वाला है उससे पहले आप हमारे कट ऑफ से आप अपनी जो मार्क्स आ रहे हैं आपके उससे आप मैच कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। हम आपको सूचना देना चाहते हैं अगर आप नेट सेट पीएचडी हैं तो हम आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ अपडेट लेके आते हैं। हायर एजुकेशन न्यूज़ अपडेट करवाते हैं। करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। एन टी ए यूजीसी नीट पेपर फर्स्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की कोचिंग हम फ्री देने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। चलिए हम देख लेते हैं फाइनल कट ऑफ मार्क्स। पहले हम बात करने जा रहे हैं जे आर एफ कट ऑफ मार्क्स की, उसके बाद हम बात करेंगे नेट के कट ऑफ मार्क्स की। चलिए हम देख लेते हैं एन टी ए जॉइन सी एस आई आर यू जी सी जे आर एफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट आफ्टर स्कोर कार्ड। चलिए पहले सब्जेक्ट का देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं केमिकल साइंस में अनरिजर्व की जो जाने की उम्मीद है 52.50%, EWS की 47%, OBC की 45%, SC की 38%, ST की 28% और PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी की 25%। फिर हम देख लेते हैं अर्थ साइंस की अनरिजर्व की 60%, EWS की 57%, OBC की 53%, SC की 46%, ST की 42% और PWD की 25%। ये कट ऑफ मार्क्स इसके लगभग नियर ही जाने की उम्मीद है। 0.5 प्लस हो सकता है या 0.5 माइनस हो सकता है। फिर हम बात करते हैं लाइफ साइंस सब्जेक्ट की। पहले हम जे आर एफ के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम नेट के कट ऑफ की बात करेंगे। लाइफ साइंस में अनरिजर्व की जे आर एफ की जाने की उम्मीद है 51%, EWS की 43.50%, OBC की 41.50%, SC की 36%, ST की 32% और PWD की 25%। फिर हम देख लेते हैं मैथमेटिकल साइंस में अनरिजर्व की 50%, EWS की 45%, OBC की 43.50%, SC की 32%, ST की 27.50% और PWD की 25% जाने की उम्मीद है। फिर हम बात कर लेते हैं फिजिकल साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व की 49% जाने की उम्मीद है, EWS की 42% जाने की उम्मीद है, OBC की 41.75% जाने की उम्मीद है। फिर बात कर लेते हैं SC की 31%, ST की 27.20% और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी की 25% जाने की उम्मीद है। अभी तक हम बात कर रहे थे जे आर एफ कट ऑफ मार्क्स, अब हम बात करने जा रहे हैं नेट के कट ऑफ मार्क्स की। एन टी ए जॉइन सी एस आई आर यू जी सी नेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखना चाहते हैं या बिफोर लास्ट ईयर के 5 ईयर्स की या 10 ईयर्स की कट ऑफ देखना चाहते हैं और या उसके डिटेल एनालिसिस के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप चाहें तो उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। केमिकल साइंस में अनरिजर्व की 46%, EWS की 42%,
ओबीसी की 40%, एससी की 33%, एसटी की 26% और पीडब्ल्यूडी की 25%। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स न्यूज़ अपडेट या असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स न्यूज़ अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर अर्थ साइंस में अनरिजर्व की 54%, ईडब्ल्यूएस की 52.30%, ओबीसी की 49%, एससी की 42%, एसटी की 37%, पीडब्ल्यूडी की 25%। फिर लाइफ साइंस में अनरिजर्व की 45%, ईडब्ल्यूएस की 38%, ओबीसी की 36.27%, एससी की 31%, एसटी की 28% और पीडब्ल्यूडी की 25%। फिर मैथमेटिकल साइंस की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व की 44%, ईडब्ल्यूएस की 40%, ओबीसी की 39%, एससी की 29%, एसटी की 25% और पीडब्ल्यूडी की 25%। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया, आप चाहे तो डिटेल वीडियो देख सकते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ का। फिर फिजिकल साइंस में अनरिजर्व की या जनरल की 43%, ईडब्ल्यूएस की 38%, ओबीसी की 36%, एससी की 27%, एसटी की 25% और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी की 25%। अगर आपके इतने कट ऑफ मार्क्स स्कोर कार्ड में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका नेट और जेआरएफ होने की पूरी उम्मीद है। पहले हमने जेआरएफ की बात की, फिर हमने नेट की बात की है और डिस्क्रिप्शन में लास्ट ईयर के कट ऑफ के डिटेल एनालिसिस वीडियो अवेलेबल हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इसी तरीके की नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।